Dear students, welcome back to the session of class 10th science subject. And dear students, today we will start our chapter number 10, that is light. Okay, what is light? Light is a form of energy which enables us to see the things. मतलब light क्या है? Light एक energy की form है जिसकी वजह से हम कोई भी object को देख सकते हैं. Okay. विदाउट लाइट वी कैनॉट सी एनीथिंग. लाइट के बिना हम कोई भी चीज है उसको देखना हमारे लिए संभव नहीं होता है. ठीक है, तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये लाइट बेस्ड है. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. ये हमारा आज का टॉपिक होगा. लास्ट में इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कशन जो है. ओके, तो आइए सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. देखिए, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये याद रखना. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर भी है. ठीक है, इसके बारे में बच्चों आप लोग हायर क्लासेस में ज़्यादा डिस्कशन करोगे. अगर आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, आफ्टर टेंथ, तो उस टाइम आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगी. लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर दोनों होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ओके, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. तो लाइट हमारी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको बच्चों ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. आप समझ सकते हो कि जो सूरज हमारे से कोसों दूर है, ठीक है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो हमारे तक, अर्थ तक है, वो पहुंच रही है इजिली. आपको पता है कि वैक्यूम जो है वो जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते हैं फिर क्या है, वैक्यूम जाता है, हवा की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है. ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट हमारी हमारे तरफ जहाँ हम तक पहुंच रही है, दैट इज इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, सिमिलरली बच्चों लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जिसको हम इसका रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. और लाइट का बच्चों ड्यूल नेचर है, ये बच्चों ऐसे पार्टिकल यानी कि ये पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है एंड इट कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आल्सो. दिस इज आल्सो फॉर द दिस विल दिस टॉपिक विल यू विल रीड इन हायर ग्रेड्स. ठीक है, अगेन, लेकिन चलो यहाँ पे टॉपिक मैंने बनाया हुआ है तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया. ठीक है, लाइट ऑलवेज कॉल शेडो, इसके बारे में आपको पता है. एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी के यूनिट पता ही है. और बच्चों 3×10⁸ का मतलब क्या है कि 3 के साथ कितनी जीरोस हैं बच्चों, यहाँ पे 8 जीरोस होंगी. ठीक है, इतने एक सेकेंड में इतने मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है लाइट. और लाइट को हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए अराउंड 8 मिनट का टाइम जो है वो लगता है. ठीक है, अराउंड 8 मिनट्स यानी कि 7.6 समथिंग, जो 8 मिनट के इक्वल हम बोल सकते हैं. तो इतना टाइम लगता है अर्थ पे लाइट को पहुंचने के लिए फ्रॉम सन. ओके, एंड बच्चों जब भी लाइट जो है वो सरफेस पे फॉल करती है किसी भी सरफेस पे, वो बच्चों वहां पे रिफ्लेक्शन करती है. ठीक है, कौन कौन से फिनोमिनास होते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम गर्मियों में ब्लैक कलर का कोई सूट पहन लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, हीट वेव्स को, जहाँ फिर लाइट रोशनी है, एनर्जी है, वो अब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे हमें गर्मी लगती है. ओके, और ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कि ग्लास और वाटर में अगर हम कॉइन डाल दें तो आपको वो ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण है. ठीक है, ये तो रिफ्लेक्शन, तो बच्चों रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम कोई चीज देख पाते हैं. तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को करने से पहले आपको ये भी, ये दो तीन चीजें जो है वो भी पता होनी चाहिए. देखिए, लाइट को
लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन बच्चों यहाँ पे लाइट की जो ट्रैवल है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको शो करने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे ऐसे एक एरो लगाऊंगा, ठीक है, और ये एक लाइन ऐसे लगेगी। तो एरो की फॉर्म में लाइट को हम ट्रैवल करवाएंगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या बन गई, रे ऑफ लाइट। अगर आपने बीम ऑफ लाइट शो करना है तो वो आप ऐसे शो करोगे। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है पूरा ये पैरेलल बीम जो है लाइट का ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये हो गया बीम ऑफ लाइट, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज दी रे ऑफ लाइट, ओके, क्योंकि ज्यादा बीम्स अगर हम फॉल करेंगे तो हमें बच्चों फिर वहां पे जो डायग्राम्स हैं वो समझ नहीं आएगी, जो आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन टू द सेम मीडियम वेन इट फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एनी रिफ्लेक्टर। हमारे पास सपोज ये मिरर है, ठीक है, मिरर आपने ग्लास के ऊपर पॉलिश कर दी है तो मिरर बन गया। तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला है, यहाँ पे अगर लाइट जो है फॉल कर रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और ये इंसिडेंट रे जैसे ही बच्चों यहाँ पे सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो ये ऐसे सेम मीडियम में बैंड कर जाएगी। इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप की होती है बच्चों, कौन कौन से टाइप की, देखिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक रिफ्लेक्शन है जो प्लेन सरफेस पे होती है, एक रिफ्लेक्शन ऐसी होती है जो रफ सरफेस पे होती है, ठीक है। प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें बीम ऑफ लाइट अगर ऐसे आएगा तो वो उसी उसी मीडियम में, ठीक है, पैरेललली वहां पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज द इंसिडेंट रेज और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये आपका मिरर है यानी कि प्लेन सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में अगर प्लेन बीम भी आता है, ट्रेवल करता है, फॉल करता है उसके ऊपर, लेकिन वो बच्चों फिर वहां पे क्या है, सेम पैरलर बीम की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करता वो, कोई कोई रे ऑफ लाइट किसी डायरेक्शन में चले जाती है, कोई किसी डायरेक्शन में चले जाती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज जो है किसी भी थिंग को देख सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ही, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम देख सकते हैं, ना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम मिरर को सूरज की रोशनी में रखते हैं, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो सामने वाला पर्सन जो है उसकी आंखों में वो सारी की सारी रोशनी जो है वो चले जाती है, जिसकी वजह से वो फिर अपनी आंखें जो है वो झपकता है, ठीक है, जिसके जिसका मतलब है कि उसमें उसके उसमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन करने के बाद सारा का सारा उसकी आंखों में पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बच्चे बाकी थिंग्स में नहीं होता, हम कोई भी चीज देख सकते हैं, उसका कारण रहता है डिफ्यूजन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें लाइट पूरी की पूरी जो है हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द लाइट है गेट इन टू दी अनदर डायरेक्शन, ठीक है, या गो इन टू दी अनदर डायरेक्शन, ओके। तो इसके लिए बच्चों आते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इसमें आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या चीज है, देखिए इंसिडेंट एंगल चलो हम बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर में मान लो एक रे ऑफ लाइट जो है वो बच्चों ऐसे फॉल करी, ठीक है। अब ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आपने एंगल की पोजीशन देखनी है तो बच्चों यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये लाइट जो है वो ट्रेवल कर जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल एक इमेजिनेशन है हमारी, जिसके साथ हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है। और बच्चों यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी विद नॉर्मल, वो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ यहाँ पे ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल आर लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन का मतलब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। बच्चों
ऐसा एक काम करना, आप लोग क्या करना, आप तीन पेंसिल्स लेना, एक को आप ऐसे रख लेना, ठीक है, एक को आप ऐसे रखना, एक को आप ऐसे रखना, ठीक है। तो अगर आप इस साइड से देखते हो, आपने इनको ऐसे सेट करना है कि एक के पीछे ये वाली और ये वाली दिखाई ना दे, ठीक है, पेंसिल जो है दिखाई ना दे, वो सेम प्लेन है, उसको हम सेम प्लेन बोलते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया जी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जो है मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता, अगर मैं लाइव क्लास मतलब कि क्लास में ऑफलाइन मोड में ले लेता हूँ तो आपको फिर सारा मैं समझा देता, ठीक है। बस आप ऐसा करना कि आप ये काम जरूर करके देखना कि आपने पेंसिल्स को इस तरीके से, तीनों पेंसिल्स को रखना है कि वो, अगर आप एक पेंसिल को ये वाली फर्स्ट वाली को देखते हो तो ये पीछे वाली उसके ऐसे सामने हो कि ये आपको दिखाई ना दे, सिर्फ फर्स्ट वाली ही दिखाई दे, वो सेम प्लेन है, ओके। तो ये मतलब होता है सेम प्लेन का, ओके जी। तो ये तीन दो लॉज हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन। देखिए शेडो और इमेज में डिफरेंस होता है, शेडो एंड इमेज, ठीक है। पहली बात है, शेडो जो है वो ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इमेज है वो कलर्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, कलर्ड, ओके। जो भी ऑब्जेक्ट का कलर होगा उसके अकॉर्डिंगली इमेज जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन जरूरी है, इसमें बच्चों लाइट जो है वो वहां पे ब्लॉक होती है, ठीक है, ब्लॉक होने की वजह से ही शेडो जो है वो बनता है, ठीक है। लाइक लाइट ऐसे आई और ये लाइट बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे आप इस बॉडी का जो है शेडो बन जाएगा ब्लैक कलर, ओके। लेकिन इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सपोज ये आपका प्लेन मिरर ही है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लो इस ऑब्जेक्ट को, ये कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो यहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस, यहाँ पे आप ओ ऑब्जेक्ट मान लो, ये आपका मिरर है, ठीक है, एम मान लेते हैं हम इसको, ठीक। और प्लेन जब लाइट इसमें ट्रेवल करेगी तो लाइट यहाँ पे ऐसे फॉल करी, यहाँ पे आपने नॉर्मल बना देना है, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बीम ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये भी बच्चों रिफ्लेक्शन कर देगा। अब ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं कर रही, इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से अपियर हो रही है कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो जहां से ये आ रही, अपियर हो रही है बच्चों, वहां पे बनेगा इमेज, ठीक है। वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ये इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा जितनी डिस्टेंस पे आपकी ऑब्जेक्ट है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप घर में शीशे के सामने खड़े हो तो आपका जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस सेम जितनी डिस्टेंस पे आप फ्रंट ऑफ द मिरर होते हो, उतना ही बैक साइड ऑफ द मिरर जो है आपका इमेज जो है वो अपियर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के इमेज में जिसमें लाइट जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, दे अपियर टू मीट, ठीक है। बात क्या है, अपियर टू मीट, अपियर टू मीट, ठीक है। ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ओके। वर्चुअल का मतलब जिसको स्क्रीन के ऊपर नहीं बना, जो उसको हम वर्चुअल इमेज बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चों कुछ इमेज ऐसे होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही रियल इमेज होते हैं, रियल इमेज का मतलब होता है जिसमें लाइट जो है एक्चुअली मीट करती है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा आपको चलो समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फीयर का पार्ट होता है ऐसे, जिसमें ये बच्चों इसका सेंटर है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये इसका फोकस है। और सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पड़ी है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें से लाइट जो है ऐसे फॉल करेगी इस मिरर के ऊपर, तो ये बच्चों फोकस में से ऐसे निकल जाएगी। जो में से लाइट निकलती है वो ऐसे दोबारा बच्चों वापस ऐसे ही चले जाती है। बाकी इसके बारे में मैंने बाद में डिस्कशन करनी है, अभी मैं थोड़ा सा मैंने बताया, डिटेल हम बाद में करेंगे। तो जहां पे ये रे ऑफ लाइट मीट कर गई है, ठीक है, वहां पे बच्चों इमेज फॉर्मेशन हो गई है। इसमें लाइट एक्चुअली मीट करी है, ठीक है, एक्चुअली मीट करने की वजह से ही ये बच्चों क्या हो गया, इस इमेज को बोलते हैं हम रियल इमेज, ठीक है। तो दो टाइप के इमेज होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज इन विच द लाइट ऑलवेज फॉर्म्ड, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे अपियर टू मीट, इस प्लेन मिरर में क्या हो गया, लाइट जो है अपियर टू मीट थी, ठीक है। और बच्चों ये स्क्रीन के ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है।
और इसमें बच्चों स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाया जा सकता, ये ज्यादातर इरेक्ट इमेज इसमें होता है, इसमें बच्चों ज्यादातर उल्टा इमेज, ये देखिए उल्टा इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, ठीक है, वो जो रियल इमेज होते हैं, और इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी कन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर की बात हुई है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बातें बाद में होंगी, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स की नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ओके। अब जो मैंने ये वाला टॉपिक करवाया आपको कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के बाकी कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम फटाफट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर आपको समझ आ गया है, ठीक है। मैंने अभी रे डायग्राम कैसे बनाई है, हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले ली थी, ठीक है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेनी तो आप जैसे ऊपर मैंने ये बनाई हुई है, आप ऐसे भी ले सकते हो। सपोज ये आपकी ए बी ऑब्जेक्ट है। अब ये लाइट जो है ऐसे बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, नॉर्मल के साथ, तो ये लाइट दोबारा ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे ही चले जाएगी, ठीक है। अगर ये इस पॉइंट पे जाके फॉल कर रही है तो ये बच्चों ऐसे रिफ्लेक्शन कर देगी, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, बैकवर्ड जैसे ही आप प्रोड्यूस करोगे ये ऐसे प्रोड्यूस होगी और ये ऐसे प्रोड्यूस होगी, जहां पे जाके मीट करी है वहां पे बना इमेज, और इस इमेज को बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ऐसे आप अपने आप को शीशे के सामने जो है यहाँ पर पाओगे, अगर आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो गए, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज हो गया, इरेक्ट इमेज हो गया, बिहाइंड दी स्क्रीन हो गया, ठीक है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस को जो फ्रंट पे, एम्बुलेंस के फ्रंट पे जो होता है लिखा हुआ, उसमें एम्बुलेंस कुछ ऐसे तरीके से लिखा होता है, ठीक है। उसका कारण क्या रहता है कि जब आगे वाला कोई भी पर्सन है जो गाड़ी चला रहा है, वो अपने शीशे में, कार के शीशे में से देखेगा, तो उसको वो क्या है, वो जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट उसको क्या कर देगी, उनके ये वाले एम्बुलेंस के लेटर्स को घुमा देगी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड जो है राइट बन जाएगी, इसी वजह से ये एम्बुलेंस आपको फिर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला ऐसे लिखा होगा फ्रंट पे, बाकी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधा ही लिखा होता है साइडों पे, फ्रंट वाली साइड पे लिखा होता है। का कारण यही रहता है कि फ्रंट वाला पर्सन जो गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी में जा रहा है, ताकि वो एम्बुलेंस को रास्ता दे दे, ठीक है। वैसे तो हॉर्न की जरूरत पड़ती है, हॉर्न फटाफट चला ही रहता है, लेकिन कई बार हॉर्न कई शरारती अनसरों ने वैसे ही लगाए होते हैं, तो फिर पर्सन जो है वो पीछे जरूर देखता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये बच्चों इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने ऐसे ही अगर पेपर में आती है तो लिखनी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों इसमें ये चीजें याद जरूर करना, ये आप लोग देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ कि अगर सपोज यहाँ पे अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है, ठीक है, तो इसमें अगर ये वाला रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, देन बच्चों एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में अगर एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, इसको बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है, यहाँ पे प्लेन मिरर है, ओके। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और ये चीजें भी याद रखना कि एम्बुलेंस में एक ए को आपने ऐसे क्यों लिखा, बी को ऐसे क्यों घुमा दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। वो लेटर जो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप सीधा ही लिखोगे, क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करेंगे, प्लेन लाइट को रोटेट तो करेंगे, लेकिन वो फिर वो राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल होने के कारण पता ही नहीं लगता वहां पे, ठीक है। लेकिन बी के केस में ये आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये बी ऐसी है तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी प्लेन मिरर, ओके जी। थैंक यू वेरी मच। कल हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो भी होगा जब भी होगा, में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, मिरर फार्मूला। थैंक यू।